फ्रेंड्स, आज बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये नाश्ता, जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो बहुत सारी सब्जियाँ आती हैं और बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस नाश्ते को बनाकर उन्हें सब्जियाँ खिला सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमें इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर ली है 1.5 कप सूजी, 1.5 कप सूजी ली है। सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं, या जैसे मैंने मेजरिंग कप से मेज़र किया है तो आप कटोरी से भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/2 कप दही, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश दही यूज़ किया है। और अब उसमें डाल रहे हैं 1/2 कप पानी, तो जिस कप में मैंने दही लिया था उसी में मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और ये सभी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम पानी की क्वांटिटी पहले मिक्स करके चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत लगती है तब हम इसमें और मिक्स करेंगे। तो इसमें मैं 1/2 कप पानी और मिक्स कर रही हूँ। तो ये बहुत ही कम तेल में बना हुआ और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और अब एक पैन मैंने गैस पर गरम होने रखा है, उसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गरम हो गया है तब हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच राई, मस्टर्ड सीड्स और 5 से 7 करी पत्ते छोटे छोटे पीसेस करके हम इसमें डाल देंगे। तो जब ये राई और करी पत्ता भुन जाएगा तब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज और इस प्याज को हम भून लेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा सॉटे करना है हमें इसी प्याज को। तो मीडियम हीट पर हम इसे चलाते रहेंगे लगातार। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूं 1/2 कप बारीक कटी हुई गाजर। गाजर को हमने थोड़ा सा बारीक ही काटा है ताकि अच्छे से भुन जाए। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और दोनों चीजों को प्याज के साथ ही हम सॉटे कर लेंगे। ये सब सब्जियां हमें बहुत ज्यादा नहीं गलानी है, बस हल्का सा इन्हें फ्राई करना है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप बारीक कटी हुई बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ये ऑप्शनल है, कोई भी सब्जी आप अपनी पसंद से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाली है 1/2 कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई और 1/2 कप ही डाला है हरी प्याज। तो कोई भी सब्जी अपनी पसंद की आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं या फिर आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी सब्जी आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं और बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, आप इसमें मिक्स कर दें तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें क्या खिला दिया है। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स आप तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और ये सभी चीजें मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। तो सब्जियों में मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना सभी सब्जियों का। और सर्दियों में सब्जियां बहुत सारी आती हैं तो आप उन्हें किसी ना किसी तरह से भी बच्चों को खिला सकते हैं। तो अब हम इन्हें 1 से 2 मिनट ढककर पका लेंगे ताकि इन सब्जियों में मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसे खोलकर चेक किया है, देखिए कितना अच्छे से हमारी सब्जियों बिल्कुल सॉटे हो गई हैं और हमें इन्हें पूरी तरह कुक नहीं करना था, केवल 1/2 कुक करना था देखिए।
और बहुत अच्छा कलर आया है सब्जियों का। और अब हम इन्हें भून लेंगे हल्का सा, ताकि जो पानी है, जो इनका मॉइस्चर है, वो बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और जब हरा धनिया इसमें मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इन सब्जियों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और सब्जियों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इतने में हम सूजी को चेक कर लेते हैं, जिसे हमने पहले दही में भिगोया था। तो इस समय सूजी फूल गई है और काफी थिक हो गई है, देखिए यहाँ पर। तो सब्जियां जो थी वो हमारी हल्की ठंडी हो गई हैं, तो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। जब हम सब्जियां मिक्स कर रहे हैं तो ये काफी थिक लग रहा है, बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप पानी मैंने अभी इसमें मिक्स किया है, क्योंकि हम पानी की क्वांटिटी उसी हिसाब से डालेंगे। पहले हम चेक कर लेंगे, अभी भी ये काफी थिक है, तो मैं थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। तो अब हमारा जो बैटर है सूजी का, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत पतला या बहुत गाढ़ा हमें इसे नहीं रखना है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 सैशे इनो का, यानी कि 1 चम्मच इसमें इनो फ्रूट साल्ट आप डाल दें, और बिल्कुल लास्ट में डालेंगे इसको, जब हम बिल्कुल इसका नाश्ता तैयार करने वाले हैं। तो अब हम वापस से पैन को गरम करेंगे और उस पर हल्का सा ऑयल हम ब्रश से लगाएंगे, क्योंकि हम इस नाश्ते को बनाते हुए बहुत ज़्यादा ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं। और कोशिश करें इसे बनाने के लिए हम नॉन स्टिक पैन ही लें। तो अब सूजी वाला बैटर हम पैन पर फैला देंगे, तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। स्पून से इसे बिल्कुल एकसार फैला लेंगे और फिर हम स्पैचुला से इसे चारों तरफ से बिल्कुल एकसार कर लेंगे कॉर्नर्स, ताकि इसकी शेप बिल्कुल अच्छे से आ जाए, फिनिशिंग आ जाए इसमें। इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप ले लेंगे। और अब हम इस पे डालेंगे हल्का सा ऑयल, 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे, और अब हम इसे ढककर पका लेंगे। 2 मिनट तक हम इसे ढककर रखेंगे, जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा तब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। और गैस का फ्लेम इसे पकाते हुए हमें बिल्कुल लो रखना है। तो देखिए 2 मिनट के बाद जब मैं चेक कर रही हूँ, ऊपर से काफ़ी ड्राई हो चुका है और नीचे से ये बिल्कुल सिक गया है अपने आप ही। आप जब हम इसे कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से मूव हो गया, देखिए नीचे से अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर में आ गया है। तो अब हम फिर से इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे इस बार, और जब नीचे से गोल्डन हो जाएगा और अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए 1 मिनट बाद मैं इसे पलट लेती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल लो हीट पर ही पकाना है, ये नीचे से भी बहुत अच्छे से पक चुका है और ऊपर से भी। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, शाम को भी आप इसे ले सकते हैं, बच्चों को कभी भी आप इसे दे सकते हैं। और ये एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बहुत टेस्टी भी है। तो इसी तरह से सारे नाश्ता हम तैयार कर लेंगे, तो आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियों का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है, जो सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं। और देखिए कितना सॉफ्ट है ना, कितनी सारी सब्जियाँ इसके अंदर हमने फिल की हैं, और बहुत ही टेस्टी है। जो हमने सब्जियां फ्राई किया ना, उसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छे से आया है। तो आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, कैसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।
तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।